वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी एंड ग्राफ थ्योरी में टाइसेट मैट्रिक्स का सेकंड न्यूमेरिकल। तो देखिए, ऑब्टेन द टाइसेट मैट्रिक्स एंड फाइंड लूप करंट्स। देखिए, इस सर्किट में से हमें पहले ग्राफ निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसकी टाइसेट मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, जो मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में लिया था। बहुत ही सिमिलर वैसा ही यहाँ करना पड़ेगा हमें, लेकिन उसके बाद हमें लूप करंट फाइंड आउट करने होंगे। तो देखिए, ये हमें सर्किट दिया है, तो सर्किट में से ये ग्राफ हमारा आएगा। तो देखिए, सर्किट में से ग्राफ कैसा आ रहा है। 1, 2, 3 और ये 4 नोड्स मैंने यहाँ लिए, 1, 2, 3, 4, जिसे हमने कोई भी नाम से मार्क किया। तो देखिए, ए बी सी डी नाम से मैंने उसे मार्क किया है। अभी देखिए, ये मैंने जॉइन कैसे किया सब कुछ। देखिए, ए नोड से ये बी नोड हमारा है, ये एक लाइन, बी नोड से सी नोड, ये एक लाइन, मतलब सब शॉर्ट ग्राफ में, क्योंकि ग्राफ निकालना है हमें। ये ए बी सी, बी में से डी में एक लाइन शॉर्ट, और यहाँ भी वोल्टेज सोर्स है इसीलिए शॉर्ट हो रहा है। अगर यहाँ करंट सोर्स होता तो ओपन हुआ होता। तो इस नोड से इस नोड से ये कनेक्ट हुआ, ये नोड से ये नोड को कनेक्ट हुआ, क्योंकि वोल्टेज सोर्स है शॉर्ट ही होगा वहाँ, ये भी शॉर्ट होगा, वोल्टेज सोर्स है, तो ये भी ऐसा कनेक्ट हुआ ए नोड से सी नोड तक। तो देखिए, और फिर उसके बाद हम निकालते हैं नंबर ऑफ लिंक्स। नंबर ऑफ लिंक्स निकालते हैं बी माइनस एन माइनस वन से। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये वाली 6। तो 6 ब्रांचेस माइनस एन नोड्स, एन नोड्स कितने हैं, 4 नोड्स है यहाँ। तो 4 माइनस 1 मतलब नंबर ऑफ लिंक्स हुई 3, पिछले वाले एग्जाम्पल की जैसे सिमिलर। उसके बाद हमने किया था कि एक लिंक हमें एक लूप में कंसिडर करनी है, और नंबर ऑफ लूप कितने होंगे, जितनी नंबर ऑफ लिंक्स होगी, क्योंकि एक लूप में एक लिंक है। तो 3 लिंक्स हमें यहाँ बता रहा है वो फॉर्मूले से, 3 लिंक्स हमें पता चल गई है। तो एक एक लूप में मैंने एक एक लिंक डाली और कंप्लीट किया ऐसा। उसके बाद उसको ओरिएंटेशन दी, डायरेक्शन दी, अकॉर्डिंग टू बैक एग्जांपल, पिछले वाले एग्जांपल में जैसे मैंने किया वही यहाँ मैंने किया है, इसलिए आपको दोबारा से डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा उसका, पिछले वाले एग्जांपल में हमने लिया ही है। उसके बाद देखिए, हम निकालते हैं लूप्स को कॉलम में और ब्रांचेस को रो में, और फिर ब्रांचेस ऐसे कॉलम में आती है और लूप्स ऐसे रो में आते हैं। तो एफ सर्किट वन के लिए देखिए, एफ सर्किट वन के लिए कौन कौन सी ब्रांचेस है यहाँ, 4, 6 और 1। तो 4, 6 और 1 को हमने कंसिडर किया, बाकी सबको जीरो किया। तो अभी डायरेक्शन देखी, लूप की डायरेक्शन और ये डायरेक्शन अगर सेम हो तो 1, और अगर ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसके लिए हमने लिया था -1, जो बैक वाले एग्जाम्पल में लिया था। देखिए दोस्तों, अगर आप डायरेक्टली ये एग्जाम्पल देख रहे हैं तो ये वीडियो के एंड में मैंने आपको एक लिंक सेंड की है। तो पहले वो इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल है टाइसेट मैट्रिक्स का, जिसकी मैंने लिंक भेजी है एंड के एंड में वीडियो के, तो उस पर आप पहले क्लिक करो और वो वीडियो पहले देखो, उसके बाद ही ये देखना, ठीक है। तो हमारी अभी मैट्रिक्स बन रही है नीचे, तो देखिए मैट्रिक्स बन रही है। ये लिंक्स हमने लेफ्ट साइड में और ट्विक्स जो है राइट साइड में ली है, क्योंकि टाई सेट में लिंक्स लेफ्ट साइड में ही होती है पहले, और फिर उसके बाद ट्विक्स होती है सिक्वेंशियल। तो देखिए, 1, 0, 0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, -1, 1। तो देखिए, ये हमारी टाइसेट मैट्रिक्स अभी बनी, और फिर हमें फाइंड आउट करना है लूप करंट। तो लूप करंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये एग्जांपल खास लिया है, तो ये जरूर देखो, अभी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, लूप करंट हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड लूप करंट। तो लूप करंट का फॉर्मूला है हमारे पास, लूप करंट का फॉर्मूला है ई इज इक्वल्स टू बी, मतलब ये मैट्रिक्स बी, जेड बी, बी ट्रांसवर्स आई एल, लोड करंट आई एल, जो है लूप करंट आई एल। तो देखिए, अभी
देखिए ई में क्या लिखना है, ई हमारा वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ कितने वोल्टेज सोर्स है देखिए, 1, 2 और 3, ये वोल्टेज सोर्स है जो थ्री लिंक्स को जिस पर हमने लिंक्स डाली है वही है। ये एक लिंक थी, ये एक लिंक थी और ये भी एक लिंक थी, तो ये तीनों हमें कंसिडर करनी है, तो वो हमें लेफ्ट साइड में लिखने होंगे। तो लेफ्ट साइड में ये जो तीनों है वो हम लिखेंगे कॉलम्स में। तो देखिए पहले हम यहाँ केवीएल लगाते हैं आउटर को, अगर केवीएल के हिसाब से देखो, अगर आपने यहाँ से केवीएल लगाया तो ये पहले क्या आएगा, +12 आएगा, ये क्या आएगा -8, और ये क्या आएगा -6। देखिए तो मैं वैसा ही अभी कर रहा हूँ, 12 -8 -6, ये हमारी एक मैट्रिक्स बनी। बी मैट्रिक्स हमें पता है टाइसेट मैट्रिक्स की, वो वैसे ही लिखो, 1 0 0 1 0 -1 0 1 0 -1 1 0 0 0 1 0 -1 1। अभी जेड बी मैट्रिक्स जो है वो कैसे लेते हैं, देखिए जेड बी मतलब हमारे ये जो इम्पिडेंसेस यहाँ दिए हैं वो, तो इम्पिडेंसेस देखो एक एक ब्रांच में हमें देखना है, तो पहली वाली ब्रांच में कितना इम्पिडेंस है ये देखो, पहली वाली ब्रांच क्या है, ये है, तो मतलब ये ब्रांच है पहली वाली, तो यहाँ कितना है 6 ओम है, तो पहली वाली ब्रांच में आया 6 ओम, और बाकी के सब जीरो करो, 1 2 3 4 5, देखो टोटल कितने आए, 6 ब्रांचेस। अभी सेकंड ब्रांच को हमें देखना है, सेकंड ब्रांच कौन सी है हमारी, ये वाली, तो सेकंड ब्रांच में कितना रेजिस्टर है 2 ओम का, तो सेकंड ब्रांच में आया 2 ओम, बाकी के सब हमें जीरो करने हैं। थर्ड ब्रांच देखिए, थर्ड ब्रांच यहाँ है, थर्ड ब्रांच में क्या है, 4 ओम का एक रेजिस्टर आया है, तो 0 0 4 0 0 0। अभी फोर्थ ब्रांच देखिए, फोर्थ ब्रांच ये है, फोर्थ ब्रांच में कितना है, 4 ओम का ही है, 1 2 3 4 5 6। अभी फिफ्थ ब्रांच देखो, फिफ्थ ब्रांच यहाँ है, फिफ्थ ब्रांच में कितना है, 6 ओम का आया है, तो फिफ्थ ब्रांच में वो लिखो, बाकी के सब कुछ जीरो करो। और लास्ट वाली जो है सिक्स्थ ब्रांच, वो हमारी कहाँ है, 6 ब्रांच या अंदर वाली, इसे 2 है 2 ओम, तो ये 2 ओम, ये बाकी के सब जीरो, ये हमारी जेड बी मैट्रिक्स बनी। अभी बी ट्रांसफर कैसे लेते हैं ये मैंने आपको बताया ही है, बी ट्रांसफर मतलब ये अगर रो में है तो ये कॉलम में, और जो कॉलम में है वो रो में, ऐसा रिवर्स, तो इसका ये ट्रांसवर्स होगा। तो देखिए 1 0 0 1 0 -1, अभी ये भी, ये जो रो में है ये कॉलम में आ जाएगा, 0 1 0 -1। तो देखिए सब कुछ आ गया, अभी बी ट्रांसवर्स आ गया, और अननोन क्या है, लूप करंट्स अननोन है, तो लूप करंट्स कितने हैं, 3 लूप करंट है। देखिए लूप करंट कितने हैं, ये एक यहाँ आएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, IL1 IL2 IL3, तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ IL1 IL2 और IL3, जो हमें फाइंड आउट करने, तो ये फाइंड आउट करने के लिए पहले ये दो मैट्रिक्स सॉल्व करो, ये दो मैट्रिक्स सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो आएगा उसको उससे इससे मल्टीप्लाई करो, ये दोनों सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, ये आंसर और ये लेफ्ट वाला और ये IL1 IL2 IL3 रहेगा, और फिर उसका आंसर मैं कैसे निकालती ये बताता हूँ आपको। देखिए देखो मैंने ये फिर से लिखा आपको समझने के लिए, अभी मैं ये दो मैट्रिक्स पहले सॉल्व कर रहा हूँ, इसका आंसर मैं पहले नीचे लिखूँगा। देखिए अभी देखिए ये दोनों मैट्रिक्स सॉल्व करने के बाद इसका आंसर ये आया, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 0 0 0 1 0 0 1 1 -1 0 0 1 -1 -1 0 1, ये वाला मैंने यहाँ लिखा, और इस दोनों का आंसर ये आया है, और यहाँ क्या वैसा का वैसा अननोन हमारा
IL1, IL2, IL3। अभी मैं ये दो मैट्रिक्स सॉल्व करता हूँ, देखिए। तो देखिए अभी इस दोनों का आंसर ये आ रहा है, ये नीचे में उसे डिटेल में लिखता हूँ। 6 + 4 + 2 12, -4 -2, -4 12, -6 -2 6 12, सॉरी ये माइनस, ठीक है। अभी ये वैसा का वैसा ही IL1, IL2 और ये IL3। अभी LHS में क्या था, LHS में था 12 -8 -6 और RHS में था 12 -4 -2 -4 12 -6 -2 -6 12 और ये था IL1, IL2 और IL3। तो अभी देखिए इससे हमें निकालना है पूरा का पूरा IL1, IL2 और IL3, जो I1, I2, I3 है वो हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, इसके हमें इक्वेशन बनते हैं। तो देखिए पहले वाले से इक्वेशन क्या बनता है, 12 = 12 I1 - 4 I2 - 2 I3। देखिए इससे इससे मल्टीप्लाई, ये और ये, फिर उसके बाद -8 = अभी ये कॉलम हम ये रो कंसिडर कर रहे, तो इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करो, -4 I1 + 12 I2 - 6 I3। और अभी ये कंसिडर करो -6 = अभी ये रो और ये कॉलम, -2 I1 - 6 I2 + 12 I3। अभी कैलसी में ये डालो, हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैलसी में कैसे डालते हैं ये भी बताता हूँ। तो देखिए मेरा 100 ms का कैलसी है, तो मैं आपको उस पर ही बताता हूँ। मोड़ दबाइए, मोड़ दबाने के बाद 3 बार मोड़ दबाइए, इक्वेशन का ये 1 दबाइए, 3 unknowns है यहाँ, तो 3 unknowns और अभी unknowns डालिए। देखिए unknowns ये जो है ये पहले डालो, 12 - 4 - 2। तो देखिए कैसे डालते, 12 - 4 - 2 - अभी ये जो राइट साइड वाला है ये डालो, ये है 12। फिर नीचे वाले -4 - 12 - 6 - 4 - 12 - 6 अभी ये राइट वाला -8 - 8 अभी ये -2 - 6 + 12 - 2 - 6 और ये +12 और ये राइट वाला अभी -6। अभी देखिए हमें आंसर मिलेंगे, इज इक्वल टू करो एक बार, इज इक्वल टू पहला वाला करंट ये है I1 जो हमें मिला 0.55 एम्पियर। तो मैं अभी लिख रहा हूँ, पहला वाला करंट आया 0.55 एम्पियर, दूसरा वाला करंट फिर से इज इक्वल टू लिखो -0.916 एम्पियर और थर्ड करंट के लिए फिर से इज इक्वल टू करो -0.866 एम्पियर। तो ये हमें करंट्स मिले जो है हमारे लूप करंट्स। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, मैंने आपको ये करके क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि वीडियो का टाइम बढ़ जाएगा और आपको ये तो पता ही है कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इस रो को इसी से मल्टीप्लाई, सब कुछ मल्टीप्लाई करके ऊपर, ये सब आपको मेथड पता है। पिछले वाले एग्जांपल में मैंने लिया था कि कैसे सॉल्व करते हैं, इसलिए मैंने ये यहाँ पर आपको दिखाया नहीं कि सॉल्व कैसे करते हैं, डायरेक्टली यहाँ आंसर निकाला, क्योंकि आपका भी टाइम नहीं जाना चाहिए, आपका समय बहुत कीमती है, मेरा भी समय बहुत कीमती है, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल का ये जो आइकॉन है वो भी दबाइए। थैंक यू।